हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। अब कुछ घंटों पहले ही आ चुका है सेल्फी का ट्रेलर, जिसमें हमें लीड रोल में नजर आते हैं अक्षय कुमार और इमरान हाशमी, जो कि रीमेक होने वाला है एक मलयालम फिल्म ड्राइवर लाइसेंस का, जो कि हिंदी रीमेक है। जिसमें अब इसको डायरेक्ट किया है राज मेहता ने और इसको सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा 24 फरवरी को। तो चलिए देखते है कि इसका प्रोडक्शन कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, उनके बारे में जानते हैं और बाद में हम बात करेंगे इसके स्टोरी लाइनअप के बारे में कि स्टोरी क्या है फिल्म के एक्चुअली। तो अगर प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर यहां पर पृथ्वीराज शिवकुमारन और करण जौहर है। वहीं पर इसको प्रोडक्शन हाउस है धर्मा प्रोडक्शन एंड पृथ्वीराज प्रोडक्शन, जो कि करण जौहर का और पृथ्वीराज शिवकुमारन का जो है प्रोडक्शन हाउस है, उनके तले बैनर तले ये फिल्म जो है बनने वाली है और ये फिल्म रिलीज होगी 24 फरवरी को। तो चलिए देखते हैं ट्रेलर में क्या हमें कहानी नजर आती है। तो सबसे पहले जो इमरान हाशमी होते हैं वो एक फैमिली मैन होते है इस मूवी में, जो कि फैन होते हैं अपने एक बड़े एक्टर का, और वो बड़ा एक्टर होता है विजय। तो यहाँ पर विजय कुमार बोलो, विजय बोलो, तो यहाँ पर जो विजय होता है वो होता है अक्षय कुमार, जो कि एज अ एक्टर इसमें जो है उनका रोल है कि एक्टर का रोल है। तो अब जो इमरान हाशमी होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है उनके बच्चे की और उनकी कि वो जो है अपने आइडल फिल्म आइडल या बोलो कि अपने जो है हीरो की जो है सेल्फी लेना चाहते हैं अपने हीरो के संग। तो ये सेल्फी हो पाती है या नहीं, तो वो बाद में क्या इसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं वो हमें फिल्म में जाकर ही पता लगेगा। बट ट्रेलर में ऐसा दिखाया जाता है कि जो इमरान हाशमी होते हैं वो होते हैं ट्रैफिक हवालदार होते हैं, इसमें ट्रैफिक पुलिस होते हैं जो कि इसका चालान काटते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जिस स्पीड से ये गाड़ी जा रही थी वो विजय कुमार की है और विजय कुमार के पास गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उनको वो ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए उकसाते हैं। तो बाद में क्या होता है वो हमें फिल्म में पता चलेगा। तो क्यों इतनी भीड़ लग जाती है, क्यों ये मामला जो है मीडिया तक कवरेज कर लेता है इस फिल्म में, तो वो हमें इस फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा। तो क्या लगता है दोस्तों आपको कि ये फिल्म जो है अक्षय कुमार का करियर सेट कर पाएगी, फिर से इसको अपने करियर की गाड़ी जो है पटरी पर आ पाएगी अक्षय कुमार की? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगर ये हमारा रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।